क्या बोल रहे हैं आप? क्या गद्दार है एकनाथ शिंदे जी ने? क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जैसा भी बंटी भैया ने बोला कि हमारी शिवसेना शिंदे गट वाली और हमारी शिवसेना उद्धव साहब वाली, पहले एक ही शिवसेना होती थी। ये भारतीय जनता पक्ष का एक राजकारण है, कटक कारस्थान है, उसके कारण ये दो गट बने। क्या ये मुद्दा है? क्या ये मुद्दा एकनाथ शिंदे का? एकनाथ शिंदे का बीजेपी के साथ जाना, सरकार बनाना मुद्दा है इस बार विधानसभा में? देखिए सरकार अभी बनने वाली है पूरे विदर्भ वासियों की। किसकी किसकी बनने वाली है? विदर्भ राज्य से चाहने वालों से मैं विनती करूंगा कि कोई भी पार्टी, कोई भी कौन पार्टी हो, वे सारी की सारी विदर्भ के मुद्दे पर बेईमान साबित हुई आज तक के। किसी ने भी विदर्भ अलग नहीं किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो अभी चुनाव में खड़े देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने कहा था कि मैं आप हमको चुनकर दीजिए, मैं जब तक विदर्भ नहीं बनाऊंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने शादी भी कर ली और बच्चे भी पैदा हो गए, मगर विदर्भ की मांग को बताइए। बंटी कुकड़े साहब बहुत गुस्सा है बीजेपी को लेकर, वादा किया गया विधान को लेकर पूरा नहीं हुआ। उनका जो गुस्सा है एक मुझे विपरीत परिणाम दिखता है, लेकिन देवेंद्र जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हाँ विदर्भ के विदर्भ के लिए आंदोलन जरूर हुआ था। आप मेरी बात सुनिए, विदर्भ के लिए आंदोलन जरूर हुआ था, लेकिन विदर्भ का बैकलॉग हमने पूरा हमारी विदर्भ नहीं होता तब तक शादी नहीं करूंगा, ऐसा देवेंद्र जी ने कहा था, शादी नहीं करूंगा करके कहा था। सही बोल रहे हैं, सही नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या नहीं झूठ नहीं बोल रहे, गलत क्या बोल रहे हैं? सुन लेते हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं? जो वादा किया पूरा हुआ विदर्भ के लिए? विदर्भ का विकास चल रहा है, विदर्भ का विकास अभी भी हो रहा है। क्या बोला चाह रहा है? देवेंद्र जी ने ये कहा था कि जब तक के विदर्भ अलग नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगा, ये बात बिल्कुल सही है और इसकी पुष्टि तमाम मीडिया के अंदर, तमाम यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी ने नागपुर की जनता के लिए, विदर्भ की जनता के लिए जितने भी वादे किए थे एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं करे। एक भी वादा पूरा नहीं किया देवेंद्र फडणवीस। गडकरी जी ने भी बोला था 2013 में कि आप हमको सत्य बनाओ, आप तुमको एक डेढ़ महीने के अंदर में विदर्भ करार कर देंगे। और इन्होंने जो फोरेस्ट साहब ने बोला वेगड़ा विदर्भ, उसने बोला था कुंवारा रहूंगा, वेगड़ा विदर्भ जब तक नहीं होता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए ठीक है, आप हाथ उठा रही है, मुद्दा क्या है? क्यों किसानों की आत्महत्या, कपास, ये तो मुद्दे, आपके लिए क्या मुद्दा है? जब हम विदर्भ वेगड़ा की बात कर रहे थे ना, तभी देवेंद्र जी ने विदर्भ वेगड़ा इसलिए बोला था क्योंकि इनमें से कोई तैयार नहीं था विदर्भ के ऊपर ध्यान देने के लिए। आज आप देखिए कि पूरा डेवलपमेंट हुआ है विदर्भ सेक्शन में, नागपुर कितना डेवलप हुआ है, इसीलिए आज देवेंद्र जी ने इतना नागपुर को और विदर्भ को डेवलप करने की कोशिश की। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हर चीज में डेवलपमेंट हुई है। अच्छा यहाँ पर बोल रहे काम किया है, हमारे साथ अभिजीत बंजारी साहब, अभिजीत बंजारी जी काम किया है ये बोल रहे भाई, काम किया। कुछ लोग बोल रहे काम नहीं किया देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस ने कोई भी काम नहीं किया, हाँ। पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम किया है, हाँ। महाराष्ट्र के सभी उद्योग ये गुजरात में उन्होंने भेज दिए, गुजरात के सरकार के सामने, दिल्ली के सरकार के सामने ये नतमस्तक होते हैं। और यहाँ पर हमारा शो हो रहा है ना, उधर थोड़ा बैन करिए, ये मेट्रो यहाँ पर 4 साल पहले आई जो मुझे जानकारी, मेट्रो मनमोहन सिंह की जब सरकार थी दिल्ली में उस समय ये मेट्रो का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, उसके बाद में हुआ है। इन्होंने जिस प्रकार की वादा खिलाफी यहाँ के युवाओं के साथ में किया, यहाँ के महिलाओं के साथ में किया, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ में किया, ऐसी वादा खिलाफी आज तक के हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में किसी ने नहीं की थी। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो देवेंद्र फडणवीस है। यहाँ पर जिस प्रकार से क्राइम बढ़ गया है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ड्रग्स का सप्लाई बढ़ गया है, हमारे महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ में अत्याचार बढ़ गया है, इसके जिम्मेदार अगर कोई होंगे तो वो देवेंद्र फडणवीस है, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस है। इसलिए आने वाले चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के चुनाव हारेंगे। वादा खिलाफी हुई है क्या? तो आपके मुद्दे क्या है? महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा विफल गृह मंत्री कोई है, उस मंत्री का नाम है देवेंद्र फडणवीस। पिछले 5 साल से महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब है, लेकिन आम आदमी का चलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रवीण साहब,
इसी नागपुर ने तो डिप्टी सीएम दिया ना, इसी नागपुर ने एक टाइम पर 2014 में सीएम दिया। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध के चलने वाली पार्टी है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में बेरोजगारी का रेट तुरंत बढ़ रहा है, महाराष्ट्र पूरी तरह से रास्ते पर आ चुका है। मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आज सोयाबीन के दाम, कपास के दाम पिछले 10 साल में महाराष्ट्र के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक महिला होने के नाते आप क्या सुन रही फिर अगले बार? हमें जो महिला है, हम हमारे महायुति ने बहुत कुछ किया। जब 70 साल महायुति ने बहुत कुछ किया, 70 साल कांग्रेस की सत्ता थी तो क्या किया? कुछ नहीं किया। आज तो विकास है, हमारा विकास पूरा दिख रहा है आज का जो। हाँ, तो लोग बोल रहे भाई महायुति बना ही वो धोखा दिया गया, अजीत पवार ने धोखा दिया, एकनाथ शिंदे ने धोखा, वो ये बोल रहे हैं। आज आज महायुति के सरकार ने अजीत दादा के वजह से 1500 रुपए हर महीने को मिले हैं। आज लाडली बहना योजना, लड़की बहना 70 साल कांग्रेस में थी, कुछ नहीं किया।